गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सरिता सिंह ऑल इन वन। तो मैं लेके आई हूँ अपने ब्लाउज के कुछ कलेक्शन जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप मेरे वीडियो सबसे पहले देखें। और अगर आपको कोई ब्लाउज अच्छा लगता है तो प्लीज उसे आप कमेंट्स जरूर करें नंबर के साथ कि कौन सा ब्लाउज आपको अच्छा लगा। तो ये है एक मेरा मल्टी कलर बोलिए तो, ये मतलब आपके किसी भी साड़ी के साथ ये चला जाएगा और आप इसको सिंपल साड़ी के साथ पेयर करेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। और ये नेट और सिल्क के कपड़े में है, वर्क किया हुआ है। ये रेड और ऑरेंज के शेडिंग कलर में इसका थ्रेडिंग वर्क किया हुआ है और जरी का भी वर्क है। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेकिन इसका ये जो नेट वाला पार्ट है ये ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट होने के कारण ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। मैंने इसको स्लीवलेस ही रखा है और इस पर लेसेस लगवा दिए हैं। ये मैंने बैक में इसमें लेलिन दिलवाया है ताकि ये अच्छा लगे। और थोड़ी सी क्या होता है कि हम पिनअप करते हैं तो बैक साइड में ही जाता है, इस वजह से मैंने इसको बैक साइड में अस्तर दिलवाया है। ये पैडेड ब्लाउज है और बैक साइड में इसके हुक हैं। और ये किसी भी प्लेन साड़ी के साथ ही बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और सिंपल साड़ी अगर पहनते हैं तो वो इस ये ब्लाउज उसको बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लुक देगा और बहुत ही अच्छा खूबसूरत लगने वाला है। तो मेरा फर्स्ट ब्लाउज का कलेक्शन है ये। मेरे जो भी फेवरेट ब्लाउज है इसमें ये है। ये मुझे अगर आप कोई साड़ी ऐसा है जिसको आप ब्लाउज किसी कारण नहीं सिलवा पाते हैं तो आप ये ब्लाउज उसके साथ पेयर कर सकते हैं। तो एक ऐसा ब्लाउज आपके पास होना चाहिए। सेकेंड मेरा ब्लाउज फिर उसी डिज़ाइन में, लेकिन इसका बैक कुछ चेंज है, ब्लैक होने के कारण आपको नहीं दिख रहा होगा। ये अगर किसी को अच्छा लग रहा है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको सिलवा सकते हैं। तो इसमें भी फ्रंट में बोट नेक है और इसमें भी बोट नेक है। और ये क्या है कि मैंने यहाँ पे वो तो पूरा स्ट्रेट है और मैंने इसमें ऐसे सिप दिलवाए हैं, थोड़ा सा अप एंड डाउन है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसके बैक में मैंने क्या किया है कि बैक में मैंने ऊपर भी एक हुक डलवाया है और पीछे भी। और ये पहनने के बाद इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है, फिटिंग आने के कारण इसका जो लगता है। और आप इसको ये ब्लैक साड़ी के साथ, लेकिन मेरी साड़ी रेड कलर की है, हाफ रेड और हाफ ब्लैक है और बॉर्डर ये है। और ये लेकिन हाँ बहुत खूबसूरत लगता है, तो आप चाहे तो ऐसा सिलवा सकती हैं। इसकी बैक की भी डिज़ाइन बहुत अच्छी है। अगर आप डीप कलर नहीं पहनना चाह रहे हैं, अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप ब्लाउज़ की जो लेंथ है उसको लंबी करवाइए और ये जो है इसको थोड़ा सा शॉर्ट करवा दीजिए तो आपका लुक बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो ये रहा मेरा सेकेंड ब्लाउज। थर्ड ब्लाउज मेरा स्लीवलेस है। और ये दोनों ब्लाउज जो अभी मैंने आपको दिखाया है पैडेड ब्लाउज थे, लेकिन इसमें पैडेड ब्लाउज नहीं है। ये थर्मोकोल बॉल का आइडिया मेरा खुद का था, वो कपड़े से बोल रही थी। ये मैंने पिछले साल होली में सिलवाया था और मैंने इससे कॉटन ब्रासो की साड़ी के साथ पेयर किया था, उसी का ये ब्लाउज पीस है। और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इसका बैक मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है इसका बैक। और ये ब्लाउज़ मैं बहुत साड़ी के साथ पहनती हूँ, कॉटन के किसी भी साड़ी के साथ इसको पहन लो बहुत खूबसूरत लगता है। और गोल्डन होने के कारण ये किसी भी साड़ी के साथ जाता है। अगर मैं इसके साथ भी पहनती तो भी ये अच्छा लगता है, और रेड के साथ पहनूंगी तो भी अच्छा लगेगा, ब्लैक के साथ पहनूंगी तो भी अच्छा लगेगा। तो आप चाहे तो अलग से कपड़ा लेके ऐसा ब्लाउज सिलवा सकते हैं। फोर्थ मेरा ये ब्लाउज है जो कि एक नेट की साड़ी की ब्लाउज है। ये मुझे लेस नहीं डलवाना था क्योंकि इसका ऐसे ही जो इसमें वर्क किया हुआ है, ये साड़ी में वर्क किया हुआ है, ये लेसेस नहीं है। तो इसका गला मेरा थोड़ा ख़राब हो गया था, मैं कुछ और गला दी थी, ख़राब होने के कारण मैंने इसको कट करवाया पीछे से और मैंने फिर से बनवाया इसको। तो इसमें कोई और नहीं हो सकता था, या तो राउंड में होता या तो फिर ये चौकोल में होता, तो मैंने इसको चौकोल में ही करवाया और मैंने पीछे हुक डलवा दिया क्योंकि मेरा सामने से प्रिंस कट था और पैडेड ब्लाउज़ है। तो फिर मैंने इसको बैक में हुक डलवाया
और ये बहुत खूबसूरत लगता है। थोड़ा सा ये ख़राब हो गया था, लेकिन ये ब्लाउज़ सिलवाने में मुझे बहुत दिक्कत हुआ था, क्योंकि मुझे इसकी वो जो अस्तर होती है, लेनिन होती है, वो मुझे नहीं मिल रहा था सेम कलर में। तो फिर मैंने पेटीकोट जो लिया था, उस पेटीकोट को कटवा के इसमें लाइनिंग डलवाया, तो मेरे पेटीकोट भी गए, ऊपर से ये ब्लाउज बिगड़ जाने के कारण मैंने जहाँ फिर से इसको बनवाया वो भी एक्स्ट्रा चार्ज ली, क्योंकि मैंने ये कोलकाता में सिलवाया था, वो भाभी ठीक कर देती, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं लेके आ गई। और फिर मेरा ये एक ब्लाउज है, ये भी बहुत खूबसूरत लगता है। ये जो इन्होंने डाला था, ये इसके वजह से बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा ये लेसेस भी दिए थे कि आप जहाँ बनवाएंगे वहाँ पे आप डलवा सकती हैं, लेकिन मैंने जहाँ बनवाया उनको बोला था कि बाजू पे ये लेसेस नहीं देने के लिए, फिर वो दे दी, लेकिन मैं इसको निकालना नहीं चाहती क्योंकि ये नेट के ब्लाउज है, हो सकता है कि खराब हो जाए। तो ओवरऑल लुक इसका बहुत अच्छा लगता है, ये सामने से भी ट्रांसपेरेंट है, और यहाँ पे मैंने इसको शोल्डर पे ट्रांसपेरेंट ही छोड़ दिया है, और अगेन इसके बैक में मैंने लाइनिंग डलवाई है, और ये पैडेड ब्लाउज है, और ये बहुत खूबसूरत लगता है। तो अगर आप किसी को सिलवाना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कभी भी पैडेड ब्लाउज में आप सामने से प्रिंस कट ही डलवाएं, ताकि इसका शेप जो आए बहुत अच्छा आता है, और फिटिंग्स भी इसकी अच्छी जाती है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आज का मेरा लास्ट ब्लाउज है ये, सामने से मैंने गला छोटा ही रखा है और इसको प्रिंस कट करवाया है, और मैंने इसमें कोई भी पैडेड वैडेड नहीं डलवाया है, पैड नहीं डलवाया, इसको मैंने सिंपल प्लेन ब्लाउज सिलवाया है, सीधा भाषा में कहे तो प्लेन सिलवाया है मैंने, बस प्रिंस कट डलवा दिया है, ताकि ये पहनने के बाद अगर मैं इस पे साड़ी में लूज पहनूं, ऐसे है, इसको मैंने सिल्क के साड़ी के लिए ही सिलवाया है, तो साड़ी का पल्ला अगर मैं लूज करूं तो ये अच्छा लगे। और बाजू मैं ये फ्रिल तो कभी नहीं डलवाती ब्लाउज में, क्योंकि सूट होते हैं तो वो पहन के फिर इनका ट्रेंड खत्म होता है, तो सूट भी खत्म हो जाते या घर में पहन जाते, साड़ी तो उतना हम पहनते हैं नहीं, वो भी सिल्क की साड़ी। तो इसके साथ एक प्रॉब्लम हो गई थी कि मैंने जिनको दिया था उनकी बच्ची छोटी थी, और पता डिस्टर्ब कर रही थी, तो उनको काटने में उनके दिमाग से निकल गया था मैंने जितने इसके साइज बताए थे, और पता नहीं कोई प्रॉब्लम हुआ था किस कारण उनको, मैंने जो इसकी लेंथ दी थी ब्लाउज की उससे ये 1-1.5 इंच छोटा हो गया था। तो उन्होंने मुझे कॉल किया और बोला कि ब्लाउज़ को क्या मैं स्लीवलेस कर दूँ या मैं सूट में 3 या 3.5 इंच का बाजू डलवाती हूँ, तो वो मैं स्लीव्स वैसा कर दूँ। तो मैंने उनको मना किया, मैं बोला कि नहीं अभी रुक जाइए, थोड़ा मेरे को टाइम दीजिए। हाँ, फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे ट्रायंगल वाला लेस दिलाऊंगी तो थोड़ा सा इसकी लेंथ है वो बढ़ जाएगी, या पोटली दिलवा दूंगी तो लेंथ बढ़ जाएगी। इस कारण फिर मेरे को ध्यान में आया कि मैं फ्रिल डलवा लेती हूँ, अभी ट्रेंड में है तो मैं ये फ्रिल वाले भी 1-2 बार पहन लेती हूँ, जब मैं इससे बोर हो जाऊँगी तो इसी पे मैं लेस डलवा लूँगी, इसको सिलाई करने के बाद तो भी ये बढ़ जाएंगे, या फिर मैं इसको इतने छोटा बाजू करवा लूँगी 3 या 3.5 इंच का, या मैं इसको फिर स्लीवलेस करवा लूँगी। और एक चीज़ था कि जो अभी ट्रेंड में बहुत चला है, बैक में आप शॉर्ट करके ब्लाउज सिलवाएं, तो फिर मुझे थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लग रहा था, और वो बैक में शॉर्ट करके और इसकी बैक से और लोअर साइड से इसको शॉर्ट करवाने में मैं कंफर्ट नहीं थी। तो फिर मैंने क्या किया कि इस ब्लाउज़ का सामने से लेंथ मैंने और ब्लाउज़ से इसके सामने से 1 से 1.5 इंच लेंथ लंबा करवा दिया, और इस साइड में मैंने 2 डोरी डलवा दी, जिसकी वजह से इसको हम यहाँ पे टाई करेंगे। और टाई करने के बाद इसका लुक बहुत अच्छा लगता है। अगर मेरा फिर इससे मन भर जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको सामने से फिर इसको छोटा करवा लूँगी और हेम करवा लूँगी, और इस वो नॉर्मल ब्लाउज की तरह इसकी लुक हो जाएगी। तो अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा तो आप भी इसको सिलवा सकते हैं ऐसा थोड़े से, और आप चाहें तो 1-1.5 इंच बैक में
आप छोटा करवा सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन मैंने नहीं करवाया, मैं भी करवा सकती थी लेकिन मैंने नहीं कराया, मेरे को उतना ध्यान में नहीं था। तो आप ऐसा ना करें। और पीछे से मैंने पान गला करवाया है तो ये बहुत ही अच्छा लगने वाला है, और ये किसी भी साड़ी के साथ आपको बहुत अच्छा लगे। इसका कलर भी बहुत अच्छा है, और सिल्क के मेरे पास जितनी भी साड़ियाँ हैं मैं ज़्यादातर इसको ही पेयर करती हूँ, तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो आपको कौन सा ब्लाउज अच्छा लगा है तो प्लीज़ टैग जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।